सभी को राम मंदिर आने का न्योता देता है। हाँ, भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई थी। किसमें हुई थी? भूल भुलैया 2। किला वही किला है जिसमें भूल भुलैया की शूटिंग हुई है। जैसे ये कब्रिस्तान है और इस समय हम जहाँ चल रहे हैं ये भी गली कब्रिस्तान में कोई निकल गई। ये सारी कब्रें हैं। देखना है नंदी महाराज जी हमें कैसी कैसी गलियों को लेके जा रहे हैं। भैया मैप ले जा रहा, मैप। कैसी गलियों को जा रहे हैं तुम? ये देखो मैप, मैप हमें कहाँ बुलाया। जय श्री राम। जय श्री राम। खराब आओगे तुम्हारे कभी यात्रा तो है। भैया कर लो बैठी, कर लो मेरी, कर लो। चाय पिए समोसे सारे, चाय पिए समोसे सारे। 3-4 दिन से तो ऐसी हो रहा हमारे साथ और बेकार हो गया। नीलो 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 चैन ठीक करा लो। लो यार 3 प्लास्टिक मोल बेच लो। जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम है अंशुभ और मैं यात्रा कर रहा हूँ हस्तापुर मवाना से अयोध्या की पैदल 600 किलोमीटर। ये रहा तो हम 600 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं अपने हस्तनपुर मवाना से और अभी हम बाराबंकी से कोई 50-60 किलोमीटर पीछे हैं आज। और आज यहाँ पे ना एक रैली निकल रही है, ये घर घर जाकर क्या करने वाले हैं, सभी को राम मंदिर आने का न्योता देते हैं। तो हम भी आपको न्योता देते हैं भारी से भारी मात्रा में 22 जनवरी को, जो हमारी दिवाली जो सबसे बड़ा त्यौहार 22 जनवरी को मनाया जाएगा इस देश में दोबारा से, आप सभी आमंत्रित हैं। तो चलो आज की यात्रा शुरू करते हैं। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ये है पूरा मंदिर, कितना बड़ा पेड़ है इसके बराबर में। देखो यहाँ पे ना 24 घंटे मेला भरा रहता है। ये देखो इधर भी सामने मेला भर रहा है और ये हाँ सब सिक्योरिटी के साथ। देखो यहाँ सामने ये डीजे लग रहा है। आइए है ना रैली निकालेंगे इसकी। अब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, किले के बारे में क्या है। किले महमदाबाद का किला है। महमदाबाद का किला है। राजा राजा महमूदाबाद। इसमें मूवीज भी बनती होंगी फिर तो। हाँ शूटिंग हुई है काफ़ी मूवीज। अच्छा अच्छा। ये तो यार आम ही चाहिए तमाम। भूल भुलैया। हाँ भूल भुलैया 2 की शूटिंग हुई थी। इसमें हुई थी? हाँ भूल भुलैया 2 है जो अभी उसकी थी ना। ये वही महल है? हाँ वही है। अच्छा भाई भूल भुलैया 2 और उसके पहले वो उसकी हुई थी माधुरी दीक्षित की। अच्छा अब जाना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण भी आई इसमें। अच्छा काफ़ी एक्टर आए हैं। काफ़ी फेमस किला है ये। अब बात पता लगी हमें। तो दोस्तों ये है वो किला जिस किले के बारे में बच्चों से बात कर रहा था और ये किला वही किला है जिसमें भूल भुलैया की शूटिंग हुई है। जैसे बच्चे बता रहे थे, उन्होंने बताया कि इसमें दीपिका पादुकोण अक्षय कुमार वगैरह सारे एक्टर आते रहते हैं, जिसमें कई मूवीज़ की वीडियो शूट हो चुकी हैं। तो इस किले को हम फिर कभी और देखने के लिए आएंगे, कभी फुर्सत मिली तो, है ना, जब आएंगे। अभी तो हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो इसलिए हम इसमें जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और रास्ता बहुत लंबा है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। यह भूल भुलैया वाला किला। तो अभी हम महमूदाबाद में चल रहे हैं। देखो यहाँ भी एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये भी कई हज़ारों साल पुरानी है। ये कब्रिस्तान है और इस समय हम जहाँ चल रहे हैं ये भी गली कब्रिस्तान में कोई निकल रही है। देखो ये कब्र हैं सारी ये यहाँ पे। इस समय मैं कब्रिस्तान में कोई चल रहा हूँ। देखो ये सारी कब्रें हैं सब। अहमदाबाद से हम निकल चुके हैं। इस समय हम खेतों में सफ़र कर रहे हैं। ये देखो खेत ही खेत हैं चारों तरफ। ये और उधर सामने सनी, उसकी बाइक पे हमारा सारा सामान है 50-60 किलो जो भी हमारे कंधों पे वो जन था। देखना है नंदी महाराज जी हमें कैसी कैसी गलियों में को लेके जा रहे हैं। भैया मैप ले जा रहा, मैप। मेरा कोई कसूर नहीं है। टर्न लेफ्ट। अरे सनी भैया कैसी कैसी गलियों में को जा रहे तुम? मेरा तो मूड खराब हो रहा है, घर को भाग। इसका तो मूड ही खराब रहा है, भग जा तू घर को। अबे यार रो मत ना, इसमें लोंडो वाली जरा सी बात नहीं है। जैसे प्रॉब्लम्स आने, मतलब मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में प्रॉब्लम आए जब भी तो लड़ने का पता लगेगा वहाँ किस चीज़ से कैसे सामना करना है। और यो तो जरा सा कुछ होता नहीं जब डर जावे। ये देखो बकरे के बच्चे। अबे आ जा, रास्ता बंद है। अरे हैगी तू, आ जा। देखो मुर्गी। ये देखो मैप हमें कहाँ बुलाया। ये देख झोड़ पोड़ में बुली आया सॉरी। ये देखो मुर्गी। चलो 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 सुनो सुनो। ओ भाई साहब सामने देखो कितनी सारी बत्तखें हैं। इधर झोड़ और बत्तख देखो कितने सारे हैं। ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अरे भैया 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 उजल देख कितनी सारी बत्तख।
उज्जवल बत्तख। सो अब हम आ चुके हैं हाईवे पे, और हाईवे पे चढ़ने के बाद यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक ढाबा है जिसका नाम है अपना ढाबा। अपना ढाबा शुद्ध वेज फूड मिलता है उस पर, वो हमने मैप में चेक कर लिया था। और आज जो हमारे सनी जी, हमारे बजरंग बली जी हमसे नाराज हैं। जय सियाराम। जो हमारे आज सनी बजरंग बली जी हैं वे हमसे आज नाराज है। देखियो हमसे अलग अलग चल रहे हैं, देख भी नहीं रहे कैमरे में, आज देख रहे हो। जय श्री राम। आओगे दोबारा कभी यात्रा पे? फतेहपुर बाराबंकी रामनगर महादेव मंदिर। तो आज हमारा जो स्टॉप है वो है बाराबंकी। कोशिश करेंगे आज हम बाराबंकी तक पहुंच जाए, 42 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। ये कौन सा गांव है जहाँ हम हैं इस समय? भगोली। भगोली। और अगला कौन सा? फतेहपुर। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास के हो? 12। वो ढाबा वो तो अभी काफ़ी दूर है, तो हम पहले ही रुक गए थे एक दुकान पे, शॉप पे, एक गांव है भगोली, उस भगोली गांव में रुके हुए। तो वहां पे नाश्ता कर रहे हैं अभी, जलपान कर रहे हैं। यहां पे हमारी चाय है और ये समोसा ऐसा है, मैंने सिंपल समोसा लिया। तो अभी खा पीजिए, देखो चाय कैसी लग रही है। सही है, पर रामपुर की जो चाय थी ना वो बढ़िया थी, जो हमने कल पी थी वो भी बढ़िया चाय थी, समोसे खाए थे वे भी बढ़िया थे। भाई ये इसका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी वहाँ बैठे थे। भैया नाम बताओ अपने चैनल का। राम भक्ति नवासी। राम भक्ति नवासी। ये देखो बालकों में बत्तखों का झुंड मिला है, बत्तख है सारा सा। क्या है कितने सारे अरे भैया कर लो बैठी कर लो मेरी कर लो देख रही कर लो ले आ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं रोड पे चलते हैं नींद सी आ रही है। इस रोड को देख के इतना हल्का सा आराम है, बहुत ज़्यादा है भाई, कोई मिल ही ना रहा है यहाँ पे। ऐसा हमने वो ढाबा देखा था अभी तक, तो हमें ढाबा भी दिखाई नहीं दिया, मैप पे दिखा रहा यहाँ वो ढाबा दिखा रहा है, कुछ है नहीं। मैप अभी दिखा रहा है, 100 मीटर आगे है, यहाँ 100 मीटर जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं है दूर दूर तक। समोसे खा के चले, चाय पिए समोसे खा रहे, चाय पिए समोसे खा रहे। 3-4 दिन से तो ऐसी हो रहा हमारे साथ, और बेकार हो लिया। और हमारे बजरंग बली वे गुस्सा चल सही बता रहा, और चाय बता रहा, रसगुल्ले नहीं बताने का, जो रसगुल्ले भी खाए। रसगुल्ले बोलिए, उसके तो टेस्ट थे बहुत ज्यादा, एक चम्मच खाते जी भर गया, पेट भर गया। और उसके रसगुल्लों में लैन टूटी पड़ी, रसगुल्ले बिक रहे, रसगुल्ले बिक रहे। अरे एक दिल ले गए उस तब ने पूछी क्या है, मैंने कहा भैया फेमस है ये, मगला हमें भी देते दो। अब खा के देख के हमें तो अच्छा लगे, ऐसा लग रहा समोसों में नील डाल रखा हूँ। नील नीलो चैन ठीक करा लो। लो यार 3 प्लास्टिक मोल बेच लो। देवानंदी महाराज जी कैसे लकीर सी पीटते फिर रहे आप पीट है भाई। आज का दिन सबसे बेकार दिन है भाई, बिल्कुल ठंडा दिन। कुछ खाने को मिला, पीने को नहीं मिला यार। खाना पीना तो आदत अच्छी होगी पर कुछ तो मिला यार कम से कम। पानी भी 10-12 किलोमीटर में मिला, घेट भी सूख गए थे। तो सरसों बोरी सरसों खा ले। ये है वो ढाबा जो हमें 2 किलोमीटर दिखाई दे रहा था, और ये कम से कम कितना आ गया हम? अबे 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर आ गए, और ये ढाबा हमें 2 किलोमीटर पर दिखाई दे रहा था। पर अभी हम 2 किलोमीटर आगे एक शहर है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ रुकेंगे, वहाँ खाएंगे पियेंगे, आज हम वहीं रुकेंगे। आज तो सही टूटा सा हो गया। आज से पूरा दिन ना हमारी पता नहीं क्यों आल का सारा नींद आ रही, नींद आँखों में नींद हो रही पड़ी। देखो यार रात हम लेट हो गए थे, रात व्लॉग ऐड करने में 3 बज गए थे हमें, रात के सुबह के 3 बज गए थे कल। हाँ ऐसी वजह थे व्लॉग ऐड कर 3 बज गए थे, फिर 5 बजे उठ गए, नहाए धोए, 7:30 आती है फिर बैठे रहे जब चले 8-9 बजे। तुम फतेहपुर पहुंच चुके हैं, लखनऊ है यहाँ से 55 किलोमीटर ऊपर, रामनगर 22 किलोमीटर और बाराबंकी 30 किलोमीटर। तो आज हमारा प्लान बाराबंकी रुकने का था, हम आधा चल चुके हैं, आधा बच रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर हो रहा है बाराबंकी, वहाँ रुकते पर हम वहाँ नहीं रुके, पर हम यहीं रुक गए। इस गांव का नाम है फतेहपुर, गांव नहीं है कस्बा है पूरा। तो देखो
इधर बराबर में चौकी भी है, यहाँ से सामने, ये सामने गाय माता, जो कुछ नहीं खाने को मिल रहा है यहाँ से, ऐसी सड़कों पे रही हैं। तो ये चौपले हैं यहाँ के, बाराबंकी साइड में जाना है, पर अभी हम यही रुकेंगे यहाँ पे संघ के कार्यालय में, आरएसएस वालों के, बजरंग दल वालों के कार्यालय में, उसी में रुकेंगे। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है तालाब महादेव, वो मंदिर जो फेमस है तालाब महादेव के नाम से फेमस है। तो इतनी दूर से पैदल आए, क्या कितने दिन हो गए भैया, कितने दिन से चल रहे हो आप? हमें हो गए 20 दिन हो गए शायद, 20 दिन से चल रहे, 20 दिन से चल रहे हैं। हाँ, खाना पानी? खाना पानी होटल पे कर लें, होटल पर हो जाए, होटल पर हो जा तो वहीं से होते यात्रा भैया। हाँ भैया, हमारी यात्रा सुबह, धन्यवाद। अब कितना दूर रह गया अयोध्या? अयोध्या 124-125। जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम।